जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो ये वीडियो काफ़ी सिंपल सी है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ना काफ़ी ज़रूरी होगी, जहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स कह सकते हैं, या आप एक तरीके से, मैं इसमें आपको ना कुछ एक तरीके से मिथ भी क्लियर करूँगा। पहले भी मैंने ऐसे टिप्स टाइप वीडियो बनाई है, मिस्टेक टाइप, तो वो होते हैं जो आप लोग कॉमेंट करके पूछते हैं, इसीलिए ऐसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं चैनल पर। ऐसे हमारा टारगेट चल रहा है 5 लाख सब्सक्राइबर का। तो ये तो आपको पता होगा कि EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है स्मार्टफोन में, और एक है OIS जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अगर आप जेरी रिग वगैरह की वीडियो देखते हैं, जब वो फ़ोन को पूरा खोल देते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैमरा मूव करता है, यानी कि ये एक हार्डवेयर पार्ट है जिसे OIS कहा जाता है, और इसको बाद में नहीं डाल सकते फ़ोन में, एक बार आ गया तो आ गया। तो फर्स्ट, क्या आपको पता है कि EIS स्मार्टफोन में इंप्लीमेंट करने के लिए, स्मार्टफोन में ना प्रोसेसर तो होना ही चाहिए, अच्छी बात है, वो तो होगा, और क्या चाहिए, एक ना जायरोस्कोप सेंसर कंपलसरी है। मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर। अगर ये नहीं पता तो सिंपल सा बता देता हूँ। जैसे एक्सेलेरोमीटर सेंसर क्या होता है, लीनियर मोशन डिटेक्ट करता है, और सिंपल कर देते हैं, जैसे फ़ोन को आप वर्टिकल यानी कि सीधा, या फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे रखते हैं ना, तो इस मोशन को डिटेक्ट करता है। और जायरोस्कोप उसका ना थोड़ा एडवांस वर्जन है, अलग अलग एंगल पे आप फ़ोन को जब रोटेट करते हो, वो मोशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और आप लोग इसका कई जगह यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, गेमिंग में आप लोग क्या करते हो, गेमिंग करते हो ना, जो मोशन के साथ आप लेफ्ट या राइट टर्न करते हो, मैं क्यों टर्न हो गया वैसे। तो ये एकदम बेसिक एग्जांपल था इसके लिए। और नॉर्मली ये जो सेंसर है वो क्या, हर स्मार्टफोन में होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ EIS को क्या कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। यानी कि जिसने इस टेक्नोलॉजी का ऐसे आविष्कार किया होगा, OIS को देखा, मेंटोस खाया, EIS बना दिया, जो उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। और सेकंड, EIS क्या करता है, आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो उसको बेसिकली क्रॉप करता है। जैसे ये Redmi Note 9 Pro Max है मेरे पास, या फिर Poco X2, ये क्या करता है, फुल HD 30 FPS पे EIS को सपोर्ट करता है। तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, सेम उसी पोजीशन पे, बिना स्मार्टफोन को मैंने डिस्टर्ब किए 60 FPS पे जब रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ज़्यादा एंगल कवर कर रहा है वीडियो में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीडियो क्रॉप नहीं हो रही है, 60 FPS पे कोई EIS नहीं मिलता। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एडिटर है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, वीडियो को खुद ही क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। अब मान लो ये जो आप सेंटर में क्रॉप लाइनिंग देख रहे हो ना, सेंटर वाली, ये है EIS के बाद की वीडियो। अब जैसे क्या होगा, आप चलते हुए जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे, मान लो आपका कैमरा लेफ्ट की तरफ गया, तो ये जो फ्रेम कैप्चर करता है ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, फोटोज ही तो क्लिक करता है, उसको कंबाइन करके वीडियो बना देता है, तो ये क्या करेगा, फ्रेम को शिफ्ट कर देगा राइट साइड। और वैसे ही जब ऊपर आपने किया, तो फ्रेम को नीचे शिफ्ट कर देगा क्रॉप पोर्शन को। और जैसे ही आप लेफ्ट राइट इसी तरीके से, समझ रहे ना मेरी बात को, तो इससे क्या होगा, सारे फ्रेम कंबाइन होकर जो आपको वीडियो मिलेगी, वो फाइनली क्या मिलेगी, स्टेबल मिलेगी। कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे OIS में क्या होता है, अगर आप लेफ्ट मूव होते हैं, स्मार्टफोन क्या करता है, उसका जो कैमरा लेंस है वो राइट मूव होता है, आप ऊपर जाओगे वो नीचे आएगा, तो इस तरीके से बैलेंस करेगा वीडियो को। अब मानते हो ना मेंटोस खाया गया था, तो ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए जो वीडियो प्रोसेस किया जाता है ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम यूज होता है। तो इसकी वजह से EIS में नुकसान क्या देखने को मिलता है, जैसे लो लाइट में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, आपको नॉइज़ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब वीडियो क्रॉप होगी, अच्छी लाइट कंडीशन नहीं होगी, तो वो वीडियो की क्वालिटी क्या है, काफ़ी हद तक थोड़ा सा ना ख़राब हो जाएगी। थर्ड, EIS जो होता है ये सिर्फ वीडियो में अप्लाई होता है। अगर आप स्मार्टफोन से फोटो क्लिक करते हैं, जिस फ़ोन में EIS है ना, उसका फ़ोटो से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। फोर्थ, OIS की बात करें, ये वीडियो में तो काम आता है, जैसा मैंने बताया कैसे स्टेबल करेगा, वो लेफ्ट और राइट ऊपर नीचे मूव होगा ना, लेकिन ये फोटो क्लिक करते हैं आप ना, वहाँ काम आता है, ये दोनों में काम आता है। और इससे अगर आप फोटोज़ क्लिक करते हैं, जिस फ़ोन में OIS है, फ़ोटो भी बेटर आती है। किस कंडीशन में, अगर आप लो लाइट में कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, और अगर आपके फ़ोन में OIS है, तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप लो लाइट में फ़ोटो क्लिक करते हैं, जो स्मार्टफोन कैमरा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है फ़ोटो क्लिक करने में। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, शटर स्पीड है ना जो, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा लाइट अंदर आ सके कैमरे के, और फोटो थोड़ी बेटर हो सके। और इस टाइम में क्या होगा, आपका जो हाथ है ना, वो थोड़ा तो शेक होगा। अब ये डिपेंड करता है कौन कितना च्यवनप्राश खाता है, उस हिसाब से, लेकिन हाथ शेक तो होगा। इसीलिए प्रो मोड में अगर शटर स्पीड को आप 20, 15 या 10 सेकंड करते हैं, तो ट्राईपोड की जरूरत पड़ती है। तो लो लाइट में शटर स्पीड अगर बढ़ेगा, हाथ आपका शेक होगा, फोटो जो आएगी ना उसमें शेकीनेस आएगा, क्वालिटी उतनी बेटर नहीं आएगी, डिटेल्स उतना बेटर नहीं मिलने वाला। लेकिन OIS में क्या होगा, जैसे थोड़ी देर के लिए शटर स्पीड ज़्यादा ओपन हुआ, अगर आप लेफ्ट हुए तो राइट हो जाएगा, इस तरीके से अपने आपको मूव करके फोटो को स्टेबल रखेगा, डिटेल भी ज़्यादा होगा, बेटर फोटो निकल के आएगी। तो ये काम आता है फोटोग्राफी में भी।
और फिफ्थ, अगर ज़्यादा स्टेबल करनी है वीडियो को तो OIS प्लस EIS दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे स्मार्टफोन में यूज होता है। इसे कहते हैं हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन और ये बहुत सारे स्मार्टफोन में यूज होता है। अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं वो है OnePlus 8 Pro। और अगर आपके मन में है क्या किसी भी स्मार्टफोन में EIS डाला जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो प्रोसेसर भी कैपेबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, यहाँ प्रोसेसिंग का काम लिया जाता है, तो प्रोसेसर भी कैपेबल होना चाहिए तभी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।